केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की दलित रिसर्च स्कॉलर दीपा मोहन चार दिनों से हंगर स्ट्राइक पर। दलित छात्रा ने यूनिवर्सिटी पर भेदभाव और प्रताड़ना का लगाया आरोप। कहा, एमफिल की प्रवेश परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने के बाद से ही उन्हें बनाया जा रहा निशाना। लैब लाइब्रेरी में प्रवेश पर जाति के नाम पर किया जाता है टारगेट। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक 10 साल के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई है दलित छात्रा दीपा। भारत में शिक्षण संस्थानों पर यह आरोप नया नहीं। 2017 में दलित छात्र रोहित वेमुला ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भेदभाव, प्रताड़ना और जातिवाद से तंग आकर कर ली थी आत्महत्या। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अशांति बढ़ी। इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान इकाई इस्लामिक स्टेट खुरासान बना रहा लोगों को निशाना। राजधानी काबुल के लिए आर्मी अस्पताल में मंगलवार को हुए हमले में मारे गए 19 लोग। तालिबान के कमांडर हमदुल्ला मुखलिम की भी मौत की खबर। तालिबानी कब्जे के बाद कई शिया मस्जिदों को बनाया गया निशाना। 15 अक्टूबर को कांधार की एक शिया मस्जिद में सुसाइड अटैक में मारे गए थे करीब 50 लोग। पूर्वी कुंदूज प्रांत में भी शिया मस्जिद में धमाके से हुई थी 45 लोगों की मौत। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में भी गई थी करीब 200 लोगों की जान। दिवाली से पहले स्टॉक मार्केट में गिरावट। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ मार्केट। अधिकतर बैंकों के शेयरों में बिकवाली और ऑटो स्टॉक्स में गिरावट के चलते मार्केट पर रहा दबाव। सेंसेक्स आज 257.14 अंकों की गिरावट के साथ 59,771.92 और निफ्टी 59.75 अंकों की गिरावट के साथ 17,829.20 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पर 13 और निफ्टी पर 23 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए। कोरोना महामारी में बिजनेसमैन में आत्महत्याएं बढ़ी। 2020 में 11,716 बिजनेसमैन ने कर ली आत्महत्या। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक महामारी के दौरान 2019 के मुकाबले ज्यादा 10,677 किसानों ने की थी आत्महत्या। 2016 से अब तक 45,000 से ज्यादा बिजनेसमैन और 53,000 से ज्यादा किसान कर चुके हैं आत्महत्या। ICC T20 वर्ल्ड कप रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को मिली पहली रैंकिंग। T20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन से टॉप रैंक हासिल करने में बाबर को कामयाबी। बाबर ने इससे पहले वनडे रैंकिंग और 2018 में भी T20 वर्ल्ड कप में हासिल किया था पहला स्थान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरीन प्रदर्शन से रिकॉर्ड 5वीं बार सेमीफाइनल में बनाई जगह। 2009 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में रह चुकी है विजेता। और T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन की वजह से किसी भी खिलाड़ी को रैंकिंग में नहीं मिली जगह। गेंदबाजी में श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा अपने करियर में पहली बार टॉप पर। T20 के टॉप के 4 गेंदबाज स्पिनर दक्षिण अफ्रीका के तबरेज शमसी, इंग्लैंड के आदिल राशिद, अफगानिस्तान के राशिद खान भी लिस्ट में शामिल।